नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन से या फिर किसी भी आप आईओएस फ़ोन से भी किसी को भी फैक्स भेज सकते हो। खाली आपके पास उनका नंबर होना चाहिए, फैक्स मशीन का उनके नंबर होना चाहिए और आप फ्रीली यहाँ पे अपने मोबाइल से उनको फैक्स कर सकते हो। तो आपको गूगल पे सर्च कर लेना है फैक्स प्लस, कुछ इस प्रकार से वेबसाइट आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पे फैक्स प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। अब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आपको ऐप के थ्रू करना है या फिर ब्राउजर के थ्रू, तो हम यहाँ पे ब्राउजर के थ्रू ही कर लेंगे। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम, लास्ट मेल, ईमेल, पासवर्ड इस प्रकार से डाल सकते हो या फिर आपके पास अगर गूगल का अकाउंट है तो आप गूगल से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करूंगा। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा ईमेल आईडी है तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से जिस ईमेल आईडी पे आपको बनाना है उस ईमेल आईडी का क्या करना है आपको यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से चूज कर लेता हूँ। अब चूज करने के बाद ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या है कि ठीक है ब्राउजर से ही करना है, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आई एग्री और साइन अप पे क्लिक कर ले क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्स प्लस की जो भी कंडीशन है उसको हमने एग्री किया है। अब इस प्रकार से दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ से दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से ब्राउजर पे ही क्लिक करने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों इससे पहले मैंने यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक पेज जो है वो यहाँ पे मैंने भेजा है। यहाँ पे हम सेंड फैक्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जिसको भी भेजना है उसका नंबर हमें यहाँ पे ले लेना है। तो मैं ये नंबर यहाँ से ले लेता हूँ, एक कुछ इस प्रकार से मेरा नंबर कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो पेस्ट हो चुका है। और इसके बाद अगर आपको ऐड फाइल करना है या फिर ऐड पेजेस पे क्लिक कर सकते हो। ऐड फाइल से आप किसी भी पीडीएफ को भेज सकते हो, ऐड पेजेस से आप जो भी डाटा है आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करूँगा। ऐड पेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है जिसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं खाली इसको पेस्ट करके दे दूंगा। अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया है तो ये कह रहा है कि 1000 यहाँ पे शब्दों से ज़्यादा हो रहा है, तो मैं हम इसके कुछ शब्द जो है उसको निकाल देंगे। ठीक है, ये 18 पॉइंट तक आया है तो इसमें से मैं कुछ इस प्रकार से इसको निकाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरा एक पेज जो है इसको मैं कंफर्म कर लूंगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर लूंगा। अब सेंड पे क्लिक करने के बाद ऑप्टिमाइज फॉर टेक्स्ट इस प्रकार से बोल रहा है, तो मैं यहाँ से सेंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरा ये जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है ना वो यहाँ से सेंड हो जाएगा। मैं आपको सेंड पे क्लिक करके दिखा सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने सेंड पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक मिनट में एक पेज जो है वो यहाँ से जा सकता है। तो हम यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थ्री लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे फैक्सेस में हम देखेंगे कि हमारा स्टेटस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे आउटबॉक्स में हम चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये सेंडिंग कह रहा है, स्टेटस सेंडिंग इस प्रकार से आ रहा है, किसको जा रहा है तो इस यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है। जब ये सेंड हो जाएगा तो इसका एक जो हमें कॉपी होता है वो हमारे ये जो ईमेल आईडी है ना इस ईमेल आईडी पे हमारे आ जाएगा, उसका स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये स्टेटस इस प्रकार से दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे एक या दो मिनट दोस्तों यहाँ पे ले सकता है। एक या दो मिनट लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका किस प्रकार से स्टेटस आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे सेंड हो चुका है, आप देख सकते हो आउटबॉक्स में, ये आउटबॉक्स एम्प्टी दिखा रहा है। मैं आपको सेंड में जाकर दिखाऊंगा। यहाँ पे देखें 16:49 दिखा रहा है, मतलब ये 24 आवर्स क्लॉक की वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, ये मैंने एक सुबह भेजा था। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जो फैक्स है वो भेजे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पे जाकर दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी इसका रिसिप्ट जो है वो आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए ये 4:51 पे आया है कि आपका जो फैक्स है कुछ इस प्रकार से सेंड हो चुका है, सक्सेसफुली सेंड इस प्रकार से दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि ये फैक्स हम भेज सकते हैं, हमारा फैक्स 100% चला जाता है। फैक्स प्लस जो वेबसाइट है वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाइए, मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए और जो भी आपका फैक्स नंबर है वो वहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे थ्री लाइन पे आपको मिल जाएगा फैक्सेस, सेंड फैक्स पे। सेंड फैक्स पे क्लिक करने के बाद कुछ इसका यूजर इंटरफेस इस प्रकार से दिखाता है। ओके, और आप यहाँ से फ्री में आप अपना फैक्स दोस्तों भेज सकते हो। दोस्तों इस प्रकार के और टेक्निकल के ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।